सबसे पहले तो आभार भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल के आयोजकों का जो आपने ये मंच प्रदान किया और इतना सुंदर आयोजन किया। मैं आभार करना चाहूँगा ज्यूरी का जिन्होंने मेरी कहानी को इस काबिल समझा और भोपाल लिट फेस्ट में सभी लेखकों श्रोताओं और महानुभवों को सादर नमस्कार करते हुए अपनी बात कम शब्दों में रखूँगा। ये कहानी अमेरिका वियतनाम युद्ध में हुए एक भीषण रक्तपात की कहानी कहती है जो अमेरिकी फौज द्वारा माय लाई गांव पर बरपाया गया था 16 मार्च 1968 में। मैं उसके रक्तरंजित इतिहास में तो नहीं जाना चाहता पर अनुमान है कि कोई 400 से ज़्यादा आदमी औरतें और बच्चे उसे एक काले दिन की भेंट चढ़ गए थे। कहानी एक 13 वर्षीय लड़का कहता है जिसकी आंखों के सामने सब घट रहा था। कहानी कहने के साथ वो अपनी दोस्त हेनन के साथ उसके संबंधों की कहानी कहता जा रहा है। मेरे बारे में यही है कि मैं फ़िलहाल भोपाल में कार्यरत हूं और मूलतः मैं जयपुर से हूं और मेरी 4 किताबें पहले हिंदी में आ चुकी है, 5वीं जल्द आने वाली है। सो अब मैं कहानी पर चलता हूं। टाइटल है हेनन और मैं। इस गांव की कोई यादें नहीं हैं। यादें नहीं हैं क्योंकि बाशिंदे नहीं हैं। बाशिंदे नहीं हैं इसलिए यादें भी नहीं हैं। फ़लसफ़ा नहीं है, मौजज़ा नहीं है, तकल्लुफ़ नहीं है, हया नहीं है, पर दो लोग हैं जो टिके हुए हैं, मैं और हेनन। हम साथ बड़े हुए इसी गांव की गलियों में। अब मुझे वो इमारत दर इमारत ढूंढती है और मैं उसे दरो दीवार। खोना छोटा शब्द है, खोए नहीं हैं हम बस भूल गए हैं, भूल चुके हैं, भूलना चाहते हैं, पर याद रखने को है कौन, बस मैं और हेनन। हेनन ने मुझे गुड़िया दी थी, लड़का होने के बावजूद गुड़िया दी थी। मैंने भी उसे पतंग दी थी बिना तंग बंधी। वो तंग बांधना नहीं जानती थी, पर फिर वो पतंग कटी कैसे। स्कूल बंद है, अरसे से कॉलेज खुले नहीं, कोई काम पर नहीं जा रहा, पर ये हेनन कहाँ जा रही है। मैं नहीं हूं वहां जहां वो जा रही है। रोको प्लीज, कोई रोको उसे। हेनन जब 13 की थी मैं भी 13 का ही था। उसकी सोच, उसकी चाल मेरी सोच से मेल खाती थी। हम दोनों के तेवर आवारा थे, बागी थे, खाली थे, मवाली थे। हेनन की सोच मुझसे ज़्यादा खुली थी। उसे पता था दुनिया ख़त्म होनी है, वो ज़्यादा सोचती भी नहीं थी। उसने पहले से कह रखा था कि जब सब खत्म हो जाए तो उसे कहाँ ढूंढा जाए। उसने सिर्फ मुझे बताया था। बताया था तो सही, पर क्यों बताया था। गाँव को पानी पी गया क्योंकि उन्होंने बांध तोड़ दिया था। पीने को गाँव में पानी ना रहा। जो जा सकते थे गए, जो रुक सकते थे मरे। मैंने हेनन की प्यास समझी पर बुझाई नहीं। लोग देखते थे वो जिंदा थे, वो हिलते थे, उनके होंठ फड़फड़ाते थे, लेटे लेटे ही सही। हेनन ने कहा यहाँ मन नहीं लगता, कहीं चल सकते हैं। मैंने उसे धक्का दे दिया, वो ऊंचाई से गिरी, उसकी टांगे टूट गई। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती और मैं उसे वैसे भी नहीं छोड़ सकता। बाकी सब बोलते नहीं, बोल बोल कर ठंडे हो गए। गुड़िया से मैं और हेनन रोज खेलते हैं। तंग बांधना हेनन को अभी तक नहीं आया। मैं जब भी मिलता हूँ उसे सिखाता तो हूँ पर उसे सीखना ही नहीं है क्योंकि फिर वो हेनन नहीं रहेगी। पतंगे अब भी उड़ती हैं, उन्हें कौन उड़ाता होगा। कहीं वो ऊंचे पहाड़ से खुद तो नहीं कूद पड़ती। ऐसा ही होगा, शायद ऐसा ही है। मैं धुंध छटने का इंतजार कर रहा हूँ। हेनन उसी धुंध में खोती जा रही है, वो फेड होती जा रही है और मैं डार्क शेड में जी रहा हूँ। गली के बल्ब अब रोशनी की बातें नहीं करते। मुझे दूरी का अंदाज़ा जुगनुओं से हो जाता है। धुंध में बल्ब छोटे सूरज बन जाते हैं, खुद के आसमान में खुद ही गुम। उनको देखने से कुछ हासिल नहीं होता। मैं डार्क शेड से बाहर आता हूँ, कम अंधेरे की ओर चलता हूँ। पिछली गली से गोली की आवाज़ आई, पर खाली गोली के क्या मायने, चीख भी तो साथ सफ़र तय करे। पिछले कुछ महीनों में कितनी चीखें एक दूसरे को काटती हुई कोहरे की सिलवटों में खो गई। उन्होंने किसी से पता ना पूछा, अपना सफर खुद तय कर लिया। हेनन मुझसे दूर क्यों जाना चाहती है, क्या उसे मेरी बात पर भरोसा नहीं। जब मैंने कहा मैंने उसकी गुड़िया का सर नहीं तोड़ा तो उसे मेरी बात माननी चाहिए ना। पर मुझे मज़ा बहुत आता है उसकी गुड़िया को सोरों के मुँह में देने में। वो अपने दांत गड़ा कर उसे अपनी लार से गीला करके मुझे वापस दे देता है। रेडियो पर कोई अनाउंसमेंट हो रहा है, कह रहे हैं अपनी हिफाजत खुद करें। मैं तो महफूज ही हूँ,
देख लो मेरे अंदर खून है गीला लप लपाता गाढ़ा खून, जब खून सूख जाता है तो नेल पॉलिश जैसा दिखता है। ऐसा लगता है हेनन लौट रही है। रेडियो पर फिर अनाउंसमेंट हो रहा है, अब कह रहे हमला हो सकता है, दहशत फैल सकती है, बत्तियां बंद रखें, अपनी हिफाजत खुद करें। कुछ कुछ देर में सायरन शोर मचाते हैं, दूर दूर तक अंधेरा फैल जाता है। सिर के ऊपर से हवाई जहाज शोर करते हुए गुजर जाते हैं, तभी बड़े बड़े बम गिरते हैं जो धमाके के साथ फटते हैं और बहुत सारे लोग खामोश हो जाते हैं। मुझे नींद आ रही है, पर ये हेनन अब तक क्यों नहीं आई? गली में हमारे सिर्फ हमारे बाग में बोगनवेलिया लगा हुआ है, हेनन उसके फूलों के नाम अपनी सहेलियों के नाम पर रखती जाती है, वो रोज ऐसा करती है। रुको, जूतों की आवाजें आ रही हैं। मैं और हेनन इस आवाज से डरते हैं। यह आवाजें मार्च पास करती पास आती जा रही है। पिछले महीने भी ऐसी ही आवाजें आई थी, उसके बाद से पतंगे उड़नी बंद हो गई थी। हमारी और आसपास की गलियों में तब से ही धुंध छाई हुई है। मैं सिकुड़ता जाता हूँ, आवाजें बड़ी होती जाती हैं। धुंध में कुछ छायाएं दिख रही हैं, चार छायाओं ने एक लंगड़ी छाया को पकड़ा हुआ है, वो लंगड़ी छाया हेनन की है। मैं और सिकुड़ जाता हूँ। हेनन जोर से आवाज लगाती है, मैं नहीं सुनता। उन चार छायाओं में से दो मुझे धुंध काटते हुए घर की ओर आती दिखती है। मैं दीवार से लग जाता हूँ, पाँव को पेट में सिकोड़ लेता हूँ, सिर को घुटनों में दबा लेता हूँ। खड़क खड़क करते दो जोड़ी पैर जमीन पर गिरे बोगनवेलिया को कुचल कर घर की दहलीज तक आते हैं। इतने में हेनन फिर जोर से चीखती है और उनके हाथ से फिसल कर धुंध में गुम होने की कोशिश करती है। लंगड़ी छाया कितना भाग सकती है? तगड़ी छाया उसे फिर दबोच लेती है। सोरो जोर से भौंकता है और बोगनवेलिया की आड़ से निकलकर उन छायाओं पर झपटता है। एक छाया के हाथ से लोहा गिरता है, तभी दूजे के हाथ चलते हैं और सोरो की पसलियों के कुछ आर पार हो जाता है। एक अजीब सी चीख जो पहले मैंने कभी नहीं सुनी, धुंध को काट कर गली में कहीं खो जाती है। लिसलिसा खून बोगनवेलिया के गिरे हुए सफेद फूलों को मटमैला कर देता है। वो कदम अब मेरी ओर बढ़ रहे हैं, वो ठीक मेरे सामने खड़े हैं। उनमें से एक सिगरेट निकालकर जलाता है, दूसरा पूरे घर में तीखी गंध सा कुछ छिड़क देता है। दोनों हंसते हुए एक एक सिगरेट को बारी बारी पीते हुए धुंध में अपने धुएं को शुमार कर बाहर निकल जाते हैं। कुछ ही क्षण बाद मैं अपने आप को जलता हुआ देखता हूं और हेनन को बेतहाशा चीखते हुए। वो लोग हेनन से खेल रहे हैं जैसे सोरो गुड़िया से खेला था। हेनन का फ्रॉक जमीन चूम रहा है और वो उसे घसीट रहे हैं। मैं अपनी जगह से उठकर हेनन के पास आ गया हूँ। आगे एक आर्मी जीप खड़ी है, उस पर सितारा बना हुआ है। हमारे गांव में बहुत समय से सितारे वाले लोगों के खिलाफ प्रचार चल रहा था। मैंने भी नारे लगाए थे जैसे मेरे माँ बाप ने लगाए थे। सब लोग चले गए, नारे रह गए। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि सितारे वाले लोग मेरे बाप से मिलते जुलते किसी शख्स को हर गांव में ढूंढ रहे हैं। ये खबर हमारे घर तक भी आई थी। उस दिन के बाद हमने उसे घर पर देखा नहीं। फिर हेनन और मैंने माँ को भी खेत से लौटते नहीं देखा। फिर हमने गांव में कल से किसी को भी घर लौटते नहीं देखा। वो लोग हेनन को लेकर जा रहे हैं। मैं खड़ा देख रहा हूं, हेनन मेरी ओर नहीं घर की ओर देख रही है। जीप धुंध में गुम हो चुकी है। मेरे कदम फिर घर की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत दिनों बाद गली में रोशनी हुई है। हमारे घर से जुड़े दूसरे घर को रोशन करती हुई वो गली के तमाम घरों को लपटों के हवाले कर रही है। आज कितने दिनों बाद रोशनी ऐसी हुई है। सोरो जलने के बाद और भयानक लग रहा है। मेरे पांव जलने से रह गए हैं शायद, उन पर वो पेट्रोल छिड़कना भूल गए होंगे। अब आग धीमे धीमे हेनन की गुड़िया की ओर बढ़ रही है। धुंध फिर छाने लगी है। बहुत धन्यवाद लोकेश। और मैं मुझे ये लगता है कि इस कहानी के बाद बहुत कुछ टिप्पणी करने की आवश्यकता है। मैं बस कुछ चंद शब्दों में बोलना चाहूँगा कि माय लाई की जो घटना थी वो एक ऐसी घटना थी, जो जो लोग वियतनाम वॉर के बारे में जानते हैं वो अपने आप में एक युद्ध विभीषिका का जो चमत्कर्ष हो सकता है वो था। और एक और बहुत ही अजीब सी बात वहाँ हुई थी कि वही महाशक्ति जिन्होंने वियतनाम वॉर पे कहर डाला था 2002 के